To my channel Makeup Forever, I am Sharmili, and I hope you all are doing well. And yes, Puja ka season aa gaya hai, and maine ek poll diya tha actually aap logo ke liye ki aap logo ko kaun sa look dekhna hai, wedding guest makeup series, Durga Puja makeup series, ya fir college outfit ideas. To aap mein se maximum jin jo hai उसने वोट किया है दुर्गा पूजा मेकअप सीरीज में. सो आई थॉट कि वो पहले करते हैं. एंड मैं इस सीरीज में टोटल 5 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. एंड 5 वीडियो मतलब षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी लुक. एंड टुडेज लुक इज यस षष्ठी लुक. एंड मैंने ये लुक बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ हैवी कुछ नहीं किया, बहुत ही लाइट किया. लेकिन द रेड लिप्स ये पूरा लुक को ना एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. एंड ये फिर भी लाइक लाइट होने के बावजूद ये जो लुक है एकदम पूजा के लिए परफेक्ट है. लाइक ये आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो. इफ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक टॉप और फ्लोरल प्रिंट कुर्तीज, या फिर अगर आप साड़ी भी पहन रहे हो फ्लोरल प्रिंट एंड षष्ठी होगा तो षष्ठी में कुछ हल्का फुल्का सा फ्लोरल काइंड ऑफ अगर पहने हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. एंड उस फ्लोरल प्रिंट के साथ, उस हल्का फुल्का कुछ आउटफिट के साथ ये लुक एकदम परफेक्ट रहेगा. एंड इफ यू वांट टू नो कि हाउ आई गॉट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट यस, बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉज इट्स फ्री, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक. एंड या गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज करूंगी यूजिंग माय जॉनसन बेबी मॉइस्चराइजर. आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. एंड उसके बाद मैं यूज़ करूंगी यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर. एंड प्राइमर इज मस्ट, खास करके जब आप पूजा पे निकल रहे हो प्राइमर को लगा हुई लाइक इट्स मस्ट. ठीक है, स्किप मत करना. तो मैं बस टी जोन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूरी फेस पे स्प्रेड कर लूँगी. उसके बाद मैं वेटने वाले का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, शेड आई गेस डेजर्ट बेज. एंड ये मेरे स्किन टोन से परफेक्ट मैच करता है, एकदम परफेक्ट. एंड मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छी तरह से अपने स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी. एंड अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो वेट हो, डैम्प्ड हो, तभी जाके फाउंडेशन जो है अच्छा एक फ्लॉलेस बेस आपको दे पाएगा. एंड बहुत ही लाइट हैंड होके इसे धीरे धीरे डैप डैप मोशन पे ब्लेंड कीजिए. एंड स्वाइप मत कीजिए फेस पे इसे. एंड मैं अपने नेक पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर इन दी शेड लाइट मीडियम बेज. ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक 399 आई गेस ओनली. एंड इसका ऑफर रहता है तो आपको ये मिल जाएगा ये 349 पे. सो मैं इसे अपने जहाँ जहाँ हाईलाइट करती हूँ मैं वहाँ पे लगा के, एंड एज एन आई शैडो प्राइमर भी मैं इसे यूज़ करूँगी. एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. एंड इसका कवर भी जो है, मीन जो कवरेज है, ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है. सो मैं इसे अब ब्लेंड कर लूँगी. एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर का प्रेस्ड पाउडर इन दी शेड 05 आई गेस. एंड मैं एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से अपने पूरी फेस पे इसे टैप टैप करके अपना जो फेस फाउंडेशन एंड जो कंसीलर है उसे सेट करूँगी ताकि वो क्रीज ना करे. एंड मुझे एक्चुअली पफ से ज़्यादा ये पसंद है लगाना पाउडर ब्रश से. उसके बाद मैं वेट नेल का मेगा ग्लो कंट्रोल पैलेट लूँगी. एंड से ये जो लाइट डार्क शेड है इसे लेके अपना फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी. अगर आपको नहीं पसंद है कंट्रोल करना तो एब्सोल्युटली यू कैन स्किप दिस, बट आई लाइक इट बिकॉज ये मेरे फेस को थोड़ा सा चिजल्ड लुक देता है. एंड मैं एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से मेरे नोज़ को भी थोड़ा कंट्रोल कर लूँगी क्योंकि मेरा नोज़ जो है बहुत ही छुपू सा है. सो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा लंबा एंड शार्प दिखे. सो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट. ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, लाइक अंडर 150 आपको ये मिल जाएगा. मैंने इसे खरीदा था लोकल मार्केट से. मैं ये पीच शेड लेके अपने इसके ब्लश लगाऊंगी इससे. एंड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है आई शेडो, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है. एंड इसमें ब्यूटीफुल शेड्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो. नायका भी अवेलेबल है अभी, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो इसका प्राइस आई गेस नायका पे 200 आपको मिल जाएगा.
उसके बाद मैं अपना फेस को हाईलाइट करूंगी यूजिंग वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटिंग पाउडर। एंड जो मेरा शेड है ये है प्रेशियस पेटल्स। मैं इसको अपने फेस से हर जगह पे हाईलाइट करती हूँ, वहाँ पे अप्लाई करूंगी। आप लेकिन कितना ज़्यादा ये अच्छा ब्यूटीफुल हाईलाइटर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला हाईलाइटर। एंड मैं जहाँ जगह हाईलाइट करती हूँ, मैंने इस हाईलाइट का फुल वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है हाउ टू अप्लाई हाईलाइटर देन प्लीज़ ऊपर क्लिक करके देख लो आई बटन पे। सो मैं हाईलाइट करूँगी इससे अपने पूरी फेस पे। एंड मैं थोड़ा सा अपने कॉलर बोन को भी हाईलाइट कर लेती हूँ, थोड़ा सा यू नो थोड़ा शाइन दिखे। इसलिए मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी उसी सेम आई शेडो पैलेट में से, जो ये डार्क ब्राउन शेड है उसे एक एंगुलर ब्लश में लेके मैं अपना जो आउटर कॉर्नर है आईब्रोज का आउटर पार्ट जो है एज जो है उसे फिल करूँगी एक डार्क ब्राउन शेड लेके। एंड मैं उसी सेम ब्रश से लाइट ब्राउन शेड लेके अपना इनर कॉर्नर्स को फिल करूँगी। ऑलवेज इनर कॉर्नर्स पे लाइट कलर यूज़ करें। उसके बाद मैं आई शेडो पे मूव ऑन करती हूँ, आई मीन आई लुक पे। सो मैं कुछ नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं बस मोनोक्रोम करने वाली हूँ, लाइक एक ही आई शेडो में यूज़ करने वाली हूँ एक ही कलर का। पूरी आई लिड पे क्रीज लाइन पे मैं वही शेडो अप्लाई करके अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन पे मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। यू कैन सी मैं कैसे सर्कुलर मोशन पे इसे आउटर भी इसे इनर कॉर्नर तक लेके आ रही हूँ एंड क्रीज लाइन पे भी इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि एकदम परफेक्टली ब्लेंडेड दिखे आई शेडो। एंड एक्चुअली मैंने इस लुक को थोड़ा सा लाइट रखा है आई लुक को, मैंने बेस पे ज्यादा फोकस किया था। बेस थोड़ा अच्छा हो तो कोई भी मेकअप लुक कोई भी कुछ करो आपके आई के साथ बिल्कुल अच्छा फ्लॉरेस लगता है। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश लूंगी फ्लफी एंड इसी सेम कलर को लेके अपने बस आउटर थर्ड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। मैं पूरा अप्लाई नहीं करूंगी, बस आउटर थर्ड पे से अप्लाई करूंगी एंड अच्छी तरह से जो ऊपर वाला कलर है उसके साथ मिक्स कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी। एंड अगर आप चाहे तो आप इस ऑरेंज आई मीन पीच शेड की जगह कोई भी पिंक शेड आप यूज़ कर सकती है। उसके बाद में ये ब्राउन कलर जो शेड है चॉकलेट ब्राउन शेड लेके एक जो फ्लैट शेडर ब्रश में लेके बस आउटर कॉर्नर पे ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, देखिए तो थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा लगता है अगर आप आईलाइनर नहीं अप्लाई कर रहे हो तो इसे कर लो, बहुत ही सुंदर बहुत ही नेचुरल दिखेगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी द रिमल लंडन का वाइट कोल पेंसिल एंड ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे एक्चुअली अगर मैं न्यू लाइट कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ आईलाइनर अप्लाई तो मैं जरूर अप्लाई करती हूँ अपने लोअर आई मीन वाटर लाइन पे, बहुत ही खूबसूरत ब्राइट लगता है आईज। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो आई मीन मेगा लेंथ मस्कारा यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटर प्रूफ मस्कारा है एंड इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, आई गेस 300 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। एंड इसे मैं अच्छी तरह से अपने लोअर एंड अपर लैश लाइन को कोट कर लूँगी। यू कैन सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आज कोई भी फॉल्सीज नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, मैं लुक को बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेगा लास्ट लिपस्टिक वेट एंड वाइल्ड की तरफ से। एंड ये जो है मेरा शेड मुझे याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना गाइस शेड के लिए, आई थिंक ब्यूटीफुल रेड शेड है। एंड हियर वी गो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक एंड या दैट्स इट। So yeah guys, that's all about today's video. I hope you guys enjoyed watching this and stay tuned for my next beauty look which is Shop to Me look. And मैं उसमें सोच रही हूँ कुछ twist लाऊँ, I don't think मैं क्या करूँगी, I don't know actually. So yeah guys, I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care and I love you all.